उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ रविवार को त्यागी समाज ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में कैबिनेट मंत्री से त्यागी समाज को लेकर दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने को कहा गया। मेरठ के त्यागी हॉस्पिटल में ये महापंचायत आयोजित हुई। इस महापंचायत में पिछले साल नोएडा प्रकरण से सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी सहित कई अन्य वरिष्ठ त्यागी संगठन के नेता शामिल हुए। वहीं त्यागी समाज के लोगों का कहना है, मंत्री ने जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से समाज की बेटियों के बारे में गलत बयान दिया है, उसे ठीक वैसे ही सबके सामने आकर माफी मांगनी होगी। उनके वीडियो जारी कर माफी मांगने से त्यागी समाज खामोश नहीं बैठेगा। त्यागी समाज के लोगों का कहना है, जिस प्रकार कैबिनेट मंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच से त्यागी सैनी कश्यप समाज की बहन बेटियों का अपमान किया है, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उसकी माफी मांगनी होगी। इसके अलावा त्यागी समाज के लोगों की मांग है, स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री को पद से हटाया जाए। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 22 जुलाई को मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल में आए थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी वहां पहुंचे थे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए त्यागी समाज की लड़कियों को लेकर एक बयान दिया था। हालांकि बताया जा रहा है, स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान को लेकर एक वीडियो जारी किया गया था और अपने बयान पर खेद जताया गया था। वहीं नोएडा प्रकरण से सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी का कहना है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहां त्यागी समाज के लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी त्यागी लोग इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की आबादी 7,20,00,000 की है, जिसमें से उनकी 75,00,000 के आसपास आबादी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर त्यागी समाज का प्रभाव है। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि त्यागी समाज की बहन बेटियों पर अभद्र भाषा बोली गई है। आज बीजेपी का हिंदुत्व का चेहरा उतर गया है। यह जातीय राजनीति समीकरण बनाकर कर अपना वोट का डिब्बा भरना चाहते हैं। स्वतंत्र देव सिंह को माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इनको अपने कैबिनेट से बाहर करना चाहिए।